नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आज हम आपको करी पत्ते के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप अपने घर पर करी पत्ता का पौधा कैसे लगाएंगे, कैसे इस पौधे को बहुत तेज़ी से बड़ा करेंगे और इसको घना बनाने की आसान तरीका क्या है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में आज जान लेंगे। करी पत्ता एक समर प्लांट है, इसको ग्रो करना बहुत आसान है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ते भी हैं। तो कैसे हम लोग इसको लगाएंगे और देखभाल करेंगे जान लेंगे, लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी करी पत्ते के पौधे के बारे में जान लेते हैं। करी पत्ते का पौधा एक समर प्लांट है, इसलिए समर सीजन में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। इस पौधे को आप बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं, और अगर चाहे तो नर्सरी से लाकर भी आप बहुत आसानी से इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो करी पत्ते के पौधे को बहुत तेज़ी से ग्रो बड़ा करने के लिए और बहुत जल्दी घना बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो है इसकी पॉटिंग मिक्स। करी पत्ते को अगर न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग मिक्स में अगर आप लगाते हैं तो ये पौधा बहुत तेज़ी से बड़ा होगा और इसको घना बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएंगे ये तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले करी पत्ते की पौधे के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं। करी पत्ते के पौधा समर प्लांट है, इसलिए इसके कटिंग हमेशा आप या तो फरवरी मार्च इस समय में कीजिए और नहीं तो अक्टूबर या नवंबर महीने में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। विंटर में इसकी कटिंग या प्रूनिंग ना करना ही सही है। ये जो पौधा है, इस पौधे की हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना अपने हेल्थ के लिए इस ये करी पत्ते के इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे डिशेस ऐसे हैं जिसकी स्वाद बढ़ाने के लिए भी इस पौधे की पत्ते की यूज़ किया जाता है। खासकर साउथ इंडिया में इस पौधे की यूज़ या इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो करी पत्ते को हम लोग किस तरह से बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे ये जान लेते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात तो पॉटिंग मिक्स, उसके बाद की जो बात है वो है वाटरिंग। करी पत्ते के पौधे की जो मिट्टी है वो अगर बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो इसके पत्ते बर्न होने लगते हैं और इसके ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट आता है। इसलिए करी पत्ते के पौधे में आप रेगुलरली वाटरिंग करें। रेगुलरली वाटरिंग नहीं करेंगे या तो अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाएगी तो ये पत्ते ख़राब होने लगते हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि करी पत्ते की जो मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह थोड़ा ड्राई हो गया है तो आप वाटरिंग ज़रूर करें, नहीं तो इसके पत्ता देखने में ख़राब हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है सनलाइट। ऐसे तो करी पत्ता का जो पौधा है ये समर प्लांट है, साल भर आप इसको खुले जगह पर रख सकते हैं, लेकिन मई जून महीने में अगर आप खुले छत में इस पौधे को रख देंगे तो इसके पत्ते बर्न होने लगते हैं। इसलिए मई जून महीने में या तो बड़े पौधे के नीचे रखिए, नहीं तो ऐसे जगह पर रखिए जहां इस पौधे को सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सकती है और नहीं तो शाम की जो लास्ट 2-2.5 घंटे की धूप है उस जगह पर अगर रखेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। लेकिन पूरे सनलाइट में, पूरे दिन की सनलाइट में मई जून के महीने में इस पौधे को ना रखें तो ही अच्छा है। इसके बाद की जो बात है वो है कीटनाशक। करी पत्ते के पौधे में डिजीज़ भी देखा जाता है और कीड़े मकोड़े भी देखा जाता है, इसलिए हर 15 दिन में अगर आप कीटनाशक नीम तेल स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पौधे में
केमिकल स्प्रे ना करना ही अच्छा है, क्योंकि इसके पत्ते हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए नीम तेल अगर स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जान लेंगे कि इसको घना कैसे करेंगे। कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने की जो आसान तरीका है वो है पिंचिंग। कड़ी पत्ते के पौधा लंबा होके बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको एक डंडी में एक स्टेम में बढ़ने नहीं देना है। जब भी कड़ी पत्ते के जो पौधा है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसको पिंच करना पड़ता है। ऊपर से अगर आप पिंच करेंगे तो साइड से नए नए ब्रांचेस निकलेगी, और जितना ज़्यादा नए नए ब्रांचेस निकलेगी उतना ही ज़्यादा आपका पौधा घना होता जाएगा। इसलिए हर 4-5 इंच जब भी बड़ा होगा पौधा, उसके ऊपर से आप पिंच कर दीजिए, नया नया स्टेम निकलेगी और पौधा घना होता जाएगा। अभी बात करेंगे इसकी फर्टिलाइज़र की। करी पत्ते के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। 2 महीना छोड़ के अगर आप गमले के मिट्टी में थोड़ी सी कंपोस्ट, 1.5-2 मुट्ठी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खोल अगर आप मिला देंगे तो ही इस पौधे के लिए काफ़ी है। और समय समय पर 15-20 दिन छोड़ के अगर आप तरल खाद, लिक्विड खाद कोई सा भी दे सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो ये गई फर्टिलाइज़र की बात। अभी हम लोग जानेंगे कि इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं बोली हूँ इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी हम लोग बनाएंगे ताकि ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 10% बालू, ये 3 लेके इसके साथ थोड़ी सी नीम खोल अगर आप मिला देंगे तो ही इस पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे पॉटिंग मिक्स बना के आप इस पौधे को लगाइए, और जैसे मैं बोली हूँ ऐसे अगर देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस पौधे को ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।